हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। एज पेरेंट्स हम चाहते हैं हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिले। इनिशियल पीरियड में वो लोग ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क को एक कंप्लीट फूड बोला जाता है, जो पूरा न्यूट्रिशन जो एक बेबी को चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है। बट धीरे धीरे जब हम बेबी के सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हर वो मील जिसको हम ब्रेस्ट मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं सॉलिड्स दे के, वो मील जो है वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल मील नहीं होती। तो ऐसा एज पेरेंट्स हम क्या करें कि दिन में हम उन्हें ऐसे अपनी मील्स बैलेंस करके दें कि उनको अच्छे से पूरा न्यूट्रिशन मिले। इस वीडियो में हम आपको एक सुपर फूड रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसे बोला जाता है ड्राई फ्रूट एंड नट पाउडर। ये पाउडर एक्सेलेंट है बच्चों के वेट गेन के लिए, और यहाँ मैं हेल्दी वेट गेन की बात कर रही हूँ। मैं उस वेट गेन की बात नहीं कर रही जो मोटापे या ओबेसिटी को लीड करता है, क्योंकि हम में से कोई वो नहीं चाहता है, वो हेल्दी नहीं होता है। दूसरा, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करे, उनकी मेमोरी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनके ब्रेन की शार्पनेस, इन सब पे इफ़ेक्ट करे। और तीसरा, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, बॉडी की नेचुरल शक्ति डिसीजेस को फाइट करने की उसको बूस्ट करे। तो ये जो ड्राई फ्रूट एंड नट पाउडर हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, ये आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपका बेबी 8 मंथ्स से ऊपर है तो आप ये पाउडर बना के रख सकते हो और डेली बेसिस पे अपने बेबी के सीरियल्स में, हलवे में, जो बच्चों को दूध सिपी कप वगैरह से या कप से पीने की आदत है उसमें, खीर में, इन सब चीज़ों में डाल के, किसी ना किसी चीज़ में आपने डाल के डेली बेस पे देना है और आप इसके बेनिफिट्स जो है वो देखोगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है बादाम, काजू, अखरोट, जायफल और केसर। आप इसके अलावा और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। बेसिकली 1 साल से कम के बच्चों को पीनट्स यानी मूंगफली नहीं देना होता है, तो आप उसको छोड़ के अगर और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। आप चाहो पिस्ताचियो डाल लो। कुछ लोग जो हैं, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, तो कुछ लोग इसमें जो है ड्राई जिंजर पाउडर भी डालते हैं, हल्की सी हल्दी भी डाल देते हैं इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और एक सुपर फूड बनाने के लिए। तो वो कम्प्लीटली आपकी कॉल है, आप जिस हिसाब से अपने बेबी को जो देना चाहो आप उसके हिसाब से उसे ऐड कर सकते हो। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार बना के आप इसे स्टोर कर सकते हो, क्योंकि विंटर का टाइम है तो आप इसे कूल डार्क प्लेस में स्टोर कर दोगे तो भी चलेगा, बट अदरवाइज रिकमेंडेड ये है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करो एयर टाइट कंटेनर में, तो ये लंबे टाइम तक ठीक रहता है। बट कोशिश करो कि डेली एक टेबल स्पून आप ले सकते हो अपने बेबी के किसी भी फूड में, इसको ऐड करके अपने बेबी को दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे एक लाल बटन दिया हुआ है और उसके साथ एक बेल आइकन दिया है, जिसको अगर आप हिट करेंगे तो आपको हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन इमिडिएटली आ जाएगा, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो मिस नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो इस पाउडर को बनाने के लिए हमने लिया है काजू 1/4 यानी कि 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, वॉलनट यानी कि अखरोट 1/4 कप, 1 जायफल और 20 से 25 स्ट्रैंड्स केसर के। अब हमने यहाँ गैस ऑन कर लिया है और अब हम एक नॉनस्टिक पैन को गरम कर लेंगे। तो अब पैन गरम हो गया है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे डाल देंगे और सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट करेंगे। हर ड्राई फ्रूट को हम अलग अलग रोस्ट करेंगे और उसके बाद उसे ठंडा करेंगे। आपको इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर दोनों साइड पे थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश ना हो जाए। तो ये देखिए बादाम ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आप ये थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करोगे, बिकॉज ध्यान रखना है कि जल ना जाए। तो आपको कॉन्स्टेंटली इसको हिलाते रहना है और इसका कलर चेंज होने का वेट करना है। तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है बादाम का। बेसिकली आपको पेशेंस रखना है, कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि आप तेज़ कर देंगे तो जलने के चांस होते हैं और आप जला हुआ ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमारे बादाम रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो सके। नेक्स्ट अब हम काजू रोस्ट करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हमने डाल दिया और काजू के कलर चेंज होने का वेट करेंगे। काजू इजीली जल सकता है तो इसको बहुत ही आपने ध्यान से करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है।
ये देखिए अब हमारे काजू भी रोस्ट होके रेडी हो गए हैं। अब हम इसे भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम अखरोट रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे वॉलनट यानी अखरोट भी रेडी हो गए हैं, अब हम इनको भी ट्रांसफर कर देंगे। अब हम केसर को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हमने पैन को ऑफ कर दिया है, गैस ऑफ कर दी, क्योंकि पैन काफी गर्म ही है और केसर को ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा पैन पे लेके हिला लो और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर दो, बस बिल्कुल हल्का सा, 5-6 सेकेंड बहुत है। ये देखिए अब हमने अपने केसर को भी ट्रांसफर कर लिया। अब रह गया हमारा जायफल, तो अब हम यहाँ जायफल को ग्राइंड कर रहे हैं। तो अब हमने क्वांटिटी देखी तो हाफ ही हमें बहुत लग रहा है, तो हम हाफ जायफल ही यूज करेंगे, बाकी का हाफ रख देंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक फॉइल पेपर, इसमें हम सारा अपना जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट है अलोंग विद केसर उसको यहाँ डाल देंगे और इसको रैप करके एक जिपलॉक पाउच में डाल लेंगे। ये देखिए अब हमने इसे एक जिपलॉक पाउच में डाल लिया है और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा क्रश कर सकें। क्रश करने से पाउडर बनाना इजी होगा और ज़्यादा आपको मिक्सी में घुमाना नहीं पड़े। ये देखिए यहाँ पे हम इसे क्रश कर रहे हैं। हमने अपने जिपलॉक बैग को ऊपर से सील करा हुआ है ताकि ड्राई फ्रूट्स बाहर ना निकले और हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पीस रहे हैं। ये देखिए अब हमारा सारा ड्राई फ्रूट जो है क्रश हो गया है और ये हमने जायफल पाउडर को अभी अलग रखा हुआ है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, पिस्ताचियोज जो होते हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल सकते हो, कुछ लोग वो भी डालते हैं, उससे ये और भी बेनिफिशियल बन जाता है। बट हम अभी यहाँ पे ये नहीं डाल रहे हैं बिकॉज हमें यही वाला चाहिए। अब सब कुछ डल चुका है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। हम यहाँ सिर्फ 5-5 सेकंड के राउंड्स लेंगे, नहीं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ऑयल छोड़ते हैं और उससे ये जो पाउडर है ये खराब हो जाएगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर, तो ये देखिए हमारा पाउडर रेडी हो गया है। बस अब हम ये एक एयर टाइट जार ले लेंगे जिसमें हम इसे डालेंगे और बंद करके स्टोर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स लेने से हमारा काफी पाउडर बन गया है, जो एटलीस्ट 1.5 से 2 हफ्ते तो आराम से चल जाएगा, उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग आप कितना यूज कर रहे हो। तो ये थी हमारी ड्राई फ्रूट पाउडर रेसिपी। आपको एक बात जरूर बता दूं जिसका आपको ध्यान रखना है, जब आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करते हो तो ये आपको 5 या 6 सेकंड से ऊपर नहीं चलाना है। जब ये ऑयली हो जाएगा तो इसको बेबीज को देना मुश्किल होगा। आप बेबीज जैसे आपके बड़े हो जाते हैं तब आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स नॉर्मली भी दे सकते हो, बट आपको उस एज तक का वेट करना है जहां उन्हें चोकिंग नहीं हो, अदरवाइज बेबीज को ड्राई फ्रूट पाउडर फॉर्म में ही दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस येस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके हमें बताओ आपको कैसा लगा या आपके और क्या क्वेश्चंस हैं या आपका एक्सपीरियंस मॉमकॉम इंडिया के साथ। शेयर ज़रूर करो बिकॉज ये सबके लिए ही बेनिफिशियल है। हम कबीर को तो ये देते ही हैं बट अपना भी जब हम कभी मतलब मिल्क ले रहे होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल ले रहे होते हैं तो उसमें भी एक स्पून ऐड कर लेते हैं। मिक्स करना भी ईजी रहता है, कंज्यूम करना भी ईजी रहता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली बेबीज बट everybody. With that said, thank you so much for watching MomCom India. We'll talk to you soon.